हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 1 यानी कि अल्जेब्रा का जो चैप्टर हमारा काफी दिनों से चल रहा है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आ गए हैं दोस्तों, एंड ये जो लेक्चर नंबर 10 है आपके लिए एक आखिरी लेक्चर होने वाला है दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर का। फाइनली हमारा ये चैप्टर कितने दिनों से चल रहा था, काफी बड़ा चैप्टर था, जैसे कि आपको पता है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन आपको मैं आराम से कराता हूं, हर एक कंसेप्ट क्लियर करा के देता हूं, हर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराता हूं एंड रिमेनिंग एग्जांपल्स होमवर्क देता हूं। इसके लिए हमारा जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके लेक्चर्स जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, 7, 8, 9, 10 होते हैं, तो इसी का भी आप देख सकते हो कि लेक्चर नंबर 10 है यानी कि आखिरी लेक्चर है, लेकिन 10 लेक्चर लग गए हम लोग को इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो सोच सकते हो आप कितना हमने डिटेल में डीप में आप लोग को अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज दिया है, अच्छे से आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, उसको आज हम खत्म करेंगे, उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहां पे जो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे पेज नंबर 53 पे आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये जो टॉपिक है ना फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप 8th स्टैंडर्ड के बारे में सोचोगे, यानी कि आपका जो प्रीवियस स्टैंडर्ड था, अभी तो आप 9th में हो, लेकिन 8th स्टैंडर्ड के बारे में सोचोगे तो एक चैप्टर था आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ चैप्टर नंबर 5 या 6 चैप्टर था, तो उसमें आपने देखा होगा कि सेम यही टॉपिक आपको दिया हुआ था वहां पे, लेकिन यहां पे भी सेम वही टॉपिक है। तो इनिशियली आपको वही रिकॉल कराएंगे हम लोग, 2 से 3 एग्जांपल आपके सॉल्व दिए हुए हैं जिसमें आपको रिकॉल कराएंगे, याद दिलाएंगे किस तरह से हमने वो जो फैक्टर्स है उसको निकालना सीखा था 8th स्टैंडर्ड में, वही चीज इधर पे भी पढ़ना है, और एक एक्स्ट्रा चीज भी है यहां पे दिया हुआ फैक्टर्स निकालने के लिए, वो दोनों चीज कंबाइन करके पढ़ेंगे, साथ ही में फिर आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करके आज ये चैप्टर को टोटली खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको डायरेक्टली मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ डायरेक्टली फैक्टर निकालने के लिए, इस तरह से इजी वाला भी पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको नॉर्मल पूछते हैं, जो कि है 4x² - 25, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे तो 4x² - 25, इसको आपको फैक्टर निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हो, कैसे, कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको सोचना होता है कि किस तरह से फॉर्मूला इसमें बन रहा है 4x² - 25। तो आप देखोगे तो 4 जो है किसी का स्क्वायर है, 25 भी जो है किसी का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो आपको याद आ रहा होगा बीच में माइनस है, तो a² - b² का फॉर्मूला बन सकता है। तो पहले आप बनाओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और साथ में x ले लिया, 2x हो गया, और उसके ऊपर अगर मैं एक साथ स्क्वायर लिख दूं तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x² x² हो गया, मतलब लिख सकता हूँ बीच में माइनस है तो लिख दिया बीच में माइनस। और 25 को किस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b² बन गया, बराबर है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b होता है, करेक्ट है फ्रेंड्स, तो उसको लिख सकते हैं। a + b क्या होता है हमारा, a हमारे लिए 2x है, तो 2x + b क्या है मेरे लिए 5, तो a + b हो गया, और साथ में a - b मतलब 2x - 5, तो 2x + 5 2x - 5, दिस इज द फैक्टर, ये तो फैक्टर है दोस्तों, इसी ऐसे ही तो निकालते थे हम लोग 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद आ रहा होगा किस तरह से हम लोग ने किया था वो चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेम उसी के ऊपर ये टॉपिक जो है बेस है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है वो आपको बताएंगे। और एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि ये 3x² + 7x + 2, इसको हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला से आ गया क्योंकि ये सिंपल था, लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करना है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता है ये आपको मैं याद दिला देता हूं, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में किस तरह से सीखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। आपने भले ही मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो 8th स्टैंडर्ड को सेम चीज मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ ही दिन पहले, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है कि 8th में आपने किस तरह से पढ़ा था दोस्तों, क्योंकि मैं आपको 8th स्टैंडर्ड में तो पढ़ाने के लिए था नहीं, लेकिन अगर ये बच्चा 9th स्टैंडर्ड का है तो 8th स्टैंडर्ड का भी वीडियो हम बनाते हैं, तो 8th स्टैंडर्ड के वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके ये जो चैप्टर का, जैसे मैं नाम बोला चैप्टर का फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो चैप्टर में जाके ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आप सीख सकते हो, और वहां से सीखने के बाद यहां पे आओगे तो आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा, और नहीं अगर करना चाहते हो तो डायरेक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप देखोगे तो भी 100% आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला सेकंड एग्जांपल, ओके, एक एग्जांपल तो आपने सीख लिया, सेकंड एग्जांपल क्या है यहां पे मैं आपको बता दूं, ठीक है। एग्जांपल इस तरह है, जो कि बोला है 3x² + 7x + 2, 3x² + 7x + 2, आपको याद होगा फ्रेंड्स कि अगर इस तरह से कुछ फैक्टर्स आई मीन टू से एक्सप्रेशन दिए होते, पॉलिनोमियल्स दिए होते और उसका फैक्टर निकालने पूछता है, तो आपको याद होगा सबसे पहला जो नंबर का कोएफिशिएंट और सबसे लास्ट का जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो, 3 2 का कितना होता है 6 होता है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, और आपको इस तरह से दो नंबर को चूज करना होता है कि अगर वो दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाए, और उसको अगर एडिशन करता हूं प्लस करता हूं तो हमारा जो
बीच का टर्म है यानी कि 7x लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये हम लोग का है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 7 आ, याद आ रहा होगा आपको फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होगी तो आपको जरूर से याद आ रहा होगा कि इसी तरह से सेम हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या करना होता है ऐसे टाइप में, पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे 6 और फिर उसको इस तरह से लिखो। अभी 6 को मैं ऐसे दो नंबर के साथ लिखूंगा कि अगर मैं वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आना चाहिए और लेकिन वो दोनों नंबर को अगर प्लस करूंगा तो 7 आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 6 किसके किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 2 3 6 होता है, तो 2 3 6 तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं नंबर लेता हूँ 2 और 3, मतलब 2 3 6 हो जाए, लेकिन 2 + 3 होता है 7 नहीं होता, इसके लिए हम लोग 2 और 3 नहीं ले सकते, करेक्ट है। फिर दूसरा क्या होता है, 2 3 6 होता है, 3 2 6 दोनों ही ले सकते। फिर उसके बाद सीधा सीधा होता है 6 1 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 6 आ जाएगा और 6 को 1 से प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। तो जब भी ऐसा हो जाता है कि हमें दोनों नंबर मिल जाता है कि दोनों को प्लस करके एंड मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर हमें चाहिए वो मिल रहा है, तो जो भी अल्फाबेट है यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो दोनों नंबर को अल्फाबेट के साथ लिख दो, 6x हो गया, ये 1x हो गया। अब क्या करना होता है, सबसे पहला नंबर को सेम एज इट इज लिख दो, 3x² लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को साथ में लिख दिया जाता है, पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्लस लिख दो, प्लस 6x, अगला भी पॉजिटिव है तो प्लस 1x, और लास्ट में जो आपका नंबर दिया होता है यहाँ पे 2 लिखा है वो लिख दो। फिर यहाँ पे ग्रुपिज्म करना होता है, दोनों का बांट दो इसको, इसमें से कॉमन निकाल दो, कॉमन क्या निकलता है, 3x जो है वो कॉमन निकल गया, देखो 3x इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से भी 3x कॉमन निकलेगा, तो 3x बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर 3x जब निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, बीच में प्लस से लिख दिया, और इसमें से 3x जब निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि 3x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6x आएगा, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6x, ये आपको पता चल गया। सेम चीज है जो दोस्तों 8 में पढ़ा है, ध्यान से याद करो आपको याद आ जाएगा दोस्तों, सेम वही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया, बीच में प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दिया, 1 कॉमन है दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 ही कॉमन है, तो 1 लिख दिया कॉमन, और x प्लस 2 आ जाएगा अंदर भी। और हमेशा याद रखना जो पहले ब्रैकेट में जो आता है वही आखिरी ब्रैकेट में भी आता है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, इसका मतलब हमारा करेक्ट जा रहा है। तो अब आपको क्या करना होता है, जो दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं उसको एक ही बार लिख दो, x प्लस 2 को एक ही बार लिख दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, एंड जो बच गया 3x बच गया और ये प्लस 1 बच गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो 3x + 1, और ये तो है आपके फैक्टर्स, यही आपका आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोला था, 3x² + 7x + 2 का जो फैक्टर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, x + 2 3x + 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे भी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन आपको सॉल्व एग्जांपल्स कराने से अच्छा डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट हम लोग का 3.6 जो है उसको चालू करता हूं, ताकि आपको डायरेक्टली जो है वो समझ में आ जाए, क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने किया और क्या चीज हम लोग ने फैक्टर्स निकालने के लिए, ये भी आपको याद आ गया होगा। नहीं भी याद आ रहा होगा कोई बात नहीं, हम लोग और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, आप लोग के जो प्रैक्टिस सेट 3.6 है उसके दो एग्जांपल्स और देख लेते, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट तक देखो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 3.6 है, इसको रफ कर लेता हूं फटाफट से, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6 हेडिंग डाल लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको सॉल्व एग्जांपल समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोग सॉल्व एग्जांपल नहीं कराते, लेकिन सबसे पहले मैं सॉल्व एग्जांपल ही कराता हूं, ताकि आप लोग का जो बेसिक है कंसेप्चुअल नॉलेज है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो अभी आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, क्योंकि ये सेम चीज 8th का है, तो नॉर्मली बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं 4-5 करा दूंगा तो हमारा पूरा लेक्चर उसी में खत्म हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम वेस्ट भी हो, तो इसके लिए बेटर है कि मैंने आपको दो क्वेश्चन पढ़ा दिया, ताकि आपको याद आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि 100% याद आ गया होगा। नहीं भी याद आएगा तो हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको ध्यान से देख लो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डाल लेते, सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6 जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है ये वाले चैप्टर का, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो है 3.6, क्लियर है फ्रेंड्स, 3.6 है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टर्स, अगेन मतलब फैक्टर्स निकालने बोल दिया क्लियरली, दो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे लिखता हूं मैं डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोला है फाइंड द फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड करना है आपको फैक्टर्स को, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं पे डायरेक्टली, फाइंड द फैक्टर्स ये निकालना है। सबसे पहला एग्जांपल जो है 2x² + x - 1, ठीक है, पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x² + x - 1, 2x² + x - 1 इज माय फर्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो क्या करना होता है, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर 2 है, आखिरी नंबर -1 है, तो 2 × -1 कितना होता है, -2 हो जाएगा, तो आपने नंबर लिख दिया, और आपको फिर से इसको ऐसे दो नंबर में लिखना होता है कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आए और प्लस करके जो बीच का टर्म है उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो बीच का टर्म x है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मुझे प्लस करके 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -2 मिलना चाहिए, तो ऐसा नंबर सोचो। अब मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए, मतलब 2 × 2 होता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है, तो मेरे को मालूम है कि 2 × 2 होता है, 2 × 1 = 2 होता है, लेकिन हमें निगेटिव चाहिए क्योंकि 2 को ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे -2 चाहिए, तो मुझे ये दोनों में से किसी एक को माइनस का साइन देना पड़ेगा,
तो अगर मैं यहाँ पे 1 के पास माइनस का साइन देता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 2, करेक्ट है। तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 2 आ रहा है, लेकिन दोनों को प्लस करके जो है दोस्तों 1 आना चाहिए। देखो वो आ रहा है क्या, तो 2 प्लस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1, तो हमारा प्लस करके भी 1 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस 2 आ रहा है और प्लस करके 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लिए हमारा हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा दोनों नंबर है वो कौन से दोनों नंबर रहेंगे, एक प्लस 2 रहेगा दूसरा माइनस 1 रहेगा, तो एक प्लस 2 दूसरा माइनस 1 है। तो अभी हम लोग को क्या करना होता है, ये दोनों में जो भी वेरिएबल्स है वो डाल दो, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे x है, तो डाल दो यहाँ पे x और x, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x। अब इसको सॉल्व करना होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहला जो नंबर है वो सेम होता है, तो 2x स्क्वायर सेम लिख दो, 2x स्क्वायर सेम लिख दिया, करेक्ट है। उसके बाद ये सब लिखना होता है, तो 2x जो है पॉजिटिव है यानी कि प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 1x नेगेटिव है तो माइनस 1x हो गया, और लास्ट में माइनस 1 है लिख दिया, इज इक्वल टू कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। अब दोनों के ग्रुप में बांट दो इसको, ये दो ग्रुप का, ये दो का ग्रुप, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है, देखो 2 और 2 कॉमन है, x और x दोनों में है, यानी कि 2x जो है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और प्लस 1 बचेगा, करेक्ट है। यहाँ पे भी आप देखोगे जब माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और इसमें भी अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, और आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, हमेशा होता है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर आ रहा है दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो, यानी कि x प्लस 1 एक बार लिख दिया, और जो बच गया यानी कि 2x और ये माइनस 1 इसको एक बार लिख दो, तो 2x माइनस 1 लिख दिया एक बार, और दिस इज योर फैक्टर फाइनल आंसर। यही तो है दोस्तों जो आपको पूछा था कि फैक्टर्स निकालो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, आपने निकाल लिया कि एक फैक्टर है उसका x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके का एग्जांपल है, और इजी तरीके से हम लोग ने 8 में भी आपने सॉल्व किया होगा, आपको जरूर से याद होगा कि किस तरह से हमने 8 में सॉल्व किया था, एंड उम्मीद करता हूं एंड कोशिश ये कर रहा हूं कि पूरा आपको अच्छे से बता सकूं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आपको ये चीज 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। पर भी फिलहाल भी आपके लिए एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो काफी ज्यादा टायर्डनेस आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पे और मैं एग्जांपल्स कराना चाहता हूं ताकि आप लोग का और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जांपल आपके लिए करा देता हूं, फिर बाकी के जो रिमेनिंग एग्जांपल है आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो इसको भी रफ कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से रफ कर लेता हूं आपके लिए, और सेकंड एग्जांपल जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है। तो क्या है सेकंड एग्जांपल, उसका हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से दिया हुआ है, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3, तो 2m स्क्वायर प्लस 5m सॉरी, ठीक है, प्लस 5m माइनस 3, आपके टेक्स्टबुक में आप देख सकते हो पेज नंबर आपके 54 पे दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से इसका फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहला नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर 2 है आखिरी नंबर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज नथिंग बट 2 3 6, और ये हो गया माइनस 6। अब माइनस 6 को इस तरह से दो नंबर में लिखना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आए और प्लस करके बीच वाला टर्म यानी कि 5 आए, करेक्ट है। ये हम लोग करना है, तो आप देखोगे 6 किसके टेबल में आता है, 3 और 2, 2 3 6 होता है, तो 2 3 6 होता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए, करेक्ट है, हम लोग को माइनस चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों में से किसी एक को माइनस दे दूं मैं, समझ लो मैंने माइनस 3 को दे दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 6 तो आ गया, लेकिन ये दोनों को प्लस करके हमारा 5 आ रहा है, देखो 2 प्लस माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3 इज माइनस 1, नहीं आ रहा है 5, ठीक है। और सोचो क्या आ सकता है, फिर आप अगर माइनस 2 को दे दोगे तो माइनस 2 प्लस 3 करूंगा तो भी 5 नहीं आ रहा है, मतलब हमारा 2 और 3 हम लोग नहीं ले सकते, करेक्ट है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि 6 का जो टेबल है उसमें भी 6 आता है, तो 6 वंदा 6 होता है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो होता है वो 6 होता है। अभी मुझे माइनस 6 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को माइनस देना पड़ेगा, तो लेट सपोज मैं माइनस देता हूं माइनस 1 के पास, तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 कितना होता है, 6 माइनस 1 जा माइनस 6, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आ गया, और दोनों को प्लस करके हमारा 5 आना चाहिए, तो 6 प्लस माइनस 1 तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देखो 5 आ रहा है, इसका मतलब यही दोनों हमारे नंबर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हम लोग का, माइनस 6 आ रहा है, और यही दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करूंगा तो हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यही हमें चाहिए था, हमें दोनों नंबर मिल गए। अभी हमारा जो अल्फाबेट है वो क्या है, m का दिया हुआ है, इसके लिए दोनों के पास मुझे m देना पड़ेगा, तो 6m हो गया और ये माइनस 1m हो गया, करेक्ट है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो पहला नंबर क्या है, 2m स्क्वायर, फिर उसके बाद ये दोनों लिखना होता है, तो प्लस 6m और ये माइनस 1m और लास्ट में माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये जो टर्म है इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, और लास्ट में माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो नहीं है यहाँ पे, मुझे आदत है माइनस इज इक्वल टू 0 लिखने की, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड में है, आप लोग को अभी नहीं है, वो आगे जब जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो जगह ग्रुप बना दो, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप, ये दोनों में कॉमन क्या देखोगे, इसके अंदर भी 2 आता है, 6 के अंदर भी 2 होता है ना, 2 3 6, और वही m इसके अंदर भी है, m इसके अंदर भी है, यानी कि मेरा 2m जो है वो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा m
प्लस 3 बचेगा, करेक्ट है। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन बचेगा, और माइनस 1 की वजह से यही जो चीज है वो लिख देना रहता है यहाँ पे कि m प्लस 3 हो गया, करेक्ट है। तो ये आ गया, ये दोनों को एक ही साथ लिख दो, यहाँ पे 2 है इसके लिए एक ही लिख दो, m प्लस 3 लिख दो, और जो बच गया क्या बच गया 2m और ये माइनस 1, तो ये हो गया 2m माइनस 1। यही तो है हमारा आंसर दोस्तों। क्या बोला था हमें निकालना है, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, ये हमें निकालने बोला था और आपने निकाल लिया इसी तरह से m प्लस 3 और 2m माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके का एग्जांपल था, ठीक है। इतना सिंपल एग्जांपल आपने कभी देखा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है, अगर अच्छे से सीख लिया है, तो आपको अभी जो मैं 9th में पढ़ा रहा हूं यानी कि जो प्रैक्टिस है 3.6 है, और अक्सर एग्जाम में पूछ भी देता है एग्जाम में, तो अगर ये एग्जाम में ये एग्जाम्पल अगर पूछ जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे 100% उम्मीद है, मेरा जितना बच्चा देख रहा है यहाँ पे, जितना स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे, 100% ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हमारे अगले पार्ट ऑफ दी प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसके ऊपर जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा अलग है, सेम फैक्टर से निकालने हैं लेकिन थोड़े से अलग तरीके से निकालने हैं, जो कि हमारा टॉपिक ही वही है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल इस बार का, यानी कि 9th में क्या है फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, किसी की जगह पे एक्स मानना है वाई मानना है, बस वही करना है, और बाकी जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और सीधा सीधा आपके लिए हेडिंग डाल देता हूं प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका नाम है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको सीधा सीधा फैक्टराइज करो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र तरीके से दिया होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको लिए हेडिंग डाल देता हूं, जो कि सेम वही है कि फैक्टराइज करना है यहाँ पे, तो कुछ चिंता करने की बात नहीं, फैक्टराइज ही करना है। लेकिन पहला जो एग्जांपल है वो आप देखोगे थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे कि सर ये कितना बड़ा एग्जांपल है, तो एग्जांपल इस तरह है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8, अंदर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 12, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आपने इस तरीके का कभी भी एग्जांपल देखा नहीं होगा, आपको याद होगा कि इस तरह के एग्जांपल को कैसे फैक्टराइज करें, सवाल यही होता है, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों उतना ही सिंपल है जितना हम लोग ने पहले 2 एग्जांपल्स पढ़े, 3 एग्जांपल पढ़े, उतना ही सिंपल है। फर्क क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है और ये तकलीफ दे रहा है हमें, तो तकलीफ दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, तो क्या मानूंगा यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट, क्या लिखता हूं मैं देखो ध्यान से, लेट ये जो टर्म है, क्या नाम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो टर्म है इसको मैंने मान लिया एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, एक्स मान लिया, मतलब ये पूरे टर्म को, ये इतना बड़ा जो टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने सिंपल सा एक एक्स मान लिया, बाद में रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लेकिन मैंने माना है, ठीक है, तो माना है मतलब इसके जगह पे मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये जो चीज दिख रहा है ब्रैकेट वाला, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसके जगह पे एक्स लिख दो तो ये बन गया एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 8 है लिख दिया, फिर इसके जगह पे x लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और ये प्लस 12 हो गया, करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो सेम चीज वही हो गया, देखो हम लोग जो पहले करते थे हमारा जो सिंपल सा इक्वेशन दिया होता था सेम चीज वही तो हो गया फिर से, अब आपको सॉल्व करना है इसको फिर से, कैसे सॉल्व करते हैं, पहला नंबर आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है मल्टीप्लाई करके 12 आता है, ठीक है, तो 12 आता है आपको, फिर ऐसा नंबर चूज करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है 12 आ जाए और प्लस करके कितना आ जाए माइनस 8 आ जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, लेकिन 3 + 4 7 होता है, 8 नहीं होता, 3 4 नहीं ले सकते, फिर देखोगे तो 6 2 12 होता है, ठीक है, तो 6 × 2 12 होता है, तो 6 2 12 तो होता है, लेकिन 6 + 2 करूंगा तो 8 तो आएगा, लेकिन हमें -8 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि -6 × -2 करूंगा तो ये 12 आएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, लेकिन -6 को -2 से प्लस करूंगा तो -± + हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, बढ़ेगा साइन -8 आ जाएगा, इसका मतलब मेरा दोनों नंबर कौन सा है -6 है और -2, इसमें फॉर्मूले में क्या है वेरिएबल क्या है एक्स है, तो यहाँ पे मुझे एक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे एक्स लगाना पड़ेगा, तो आ गया मेरे पास कि 12 − 6x है और -2x है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या एक्स स्क्वायर, सेम ऐसे ही लिखूंगा, इसके जगह पे ये दोनों लिखूंगा, दैट इज −6x − 2x + 12, अब इसका ग्रुपिज्म कर दो दोनों का, क्या हो जाएगा ग्रुपिज्म करके, कॉमन इसमें से क्या निकलेगा एक्स कॉमन निकलेगा, तो एक्स कॉमन निकाल के एक्स माइनस 3 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, फिर से बचेगा एक्स माइनस 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी x − 6 बचेगा, ठीक है, फिर से इसको आगे सॉल्व कर लो दोस्तों, क्या हो जाएगा ये दोनों x − 6 एक बार लिख दो, x − 6 हो गया, और क्या बच रहा है x − 2 बच रहा है, इसको एक साथ लिख दो और हो गया आपका खत्म, ये तो है आपका फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक चीज और आपको करना पड़ेगा, रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या रिसब्स्टिट्यूट करना है कि आपने क्या माना था एक्स के जगह पे क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माना था, तो ये जो एक्स दिख रहा है ना उसके जगह पे लिख दो वापस से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो रिसब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिया आपने रिसब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही तो माना था आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माना था, तो ये जो x दिख रहा है उसके जगह पे वापस से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर दो, तो x ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -6 हो गया पहला,
और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू हो गया दूसरा। ठीक है, ये आपका पहला फैक्टर, ये आपका दूसरा फैक्टर। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया। कितना इजी एग्जांपल था दोस्तों, बस क्या करना है, स्टार्टिंग में ये जो बड़ा दिखने डराने के लिए जो बड़ा दिख रहा है उसको मान लो, एक्स वाई पी कुछ भी मान लो, उसके जगह पे डाल दो और उसको जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह के सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल लो, और फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी आपने माना था उसको फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर दो और आपको फाइनल लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। कोई भी चिंता करने की बात नहीं दोस्तों, इतना इजी एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितना भी एग्जांपल्स पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर वन था उसमें जो रिमेनिंग एग्जांपल है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड क्वेश्चन नंबर टू जो हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइज का, इसका भी आपका जो रिमेनिंग एग्जांपल है सेकंड से लेकर सेवंथ तक, ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, मेथड तो आपने सीख लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया किस तरह से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते 100% एफिशिएंसी के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट आप आगे एक दिन जरूर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर वीडियो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट था, इसका मतलब हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स जो हमारा काफी दिनों से चल रहा है, ये होता है आज फाइनली कंप्लीट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एंड इसके बाद प्रॉब्लम सेट है। अगेन मैं आपको पता है कि मैं प्रॉब्लम सेट नहीं कराता हूं, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो अगेन जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है प्लस प्रॉब्लम सेट है उसको आप जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर हमारा आज का खत्म हुआ है, तो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज इसके बारे में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो एंड सभी को फटाफट से आगे बढ़ाने के लिए बोलो वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जितना ज्यादा शेयर करोगे सो दैट मैक्सिमम पीपल तक रीच होगा एंड वो लोग को बहुत आसानी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई भी काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी एंड वो लोग भी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो गेन कर पाएंगे आप लोग के जैसे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।